हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। भाई स्वतंत्र वीर सावरकर का ट्रेलर आउट हुआ है भाई। 22 मार्च को मूवी आने वाली है और रणदीप हुडा उसमें मेन लीड रोल में हमको देखने को मिलने वाले, साथ में अंकिता लोखंडे और अमित सियाल भी है। भाई ये मूवी जबरदस्त रहने वाली है, काफी दिनों से इस मूवी की चर्चा थी और फाइनली उसका ट्रेलर आउट हुआ है, तो देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है भाई कि ट्रेलर में क्या दिखाया है। थोड़े से क्रेडिट्स पढ़ लेते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अ फिल्म बाय रणदीप हुडा, क्या बात है। प्रोड्यूस बाय जी स्टूडियोज, आनंद पंडित, संदीप सिंह, योगेश राहर एंड रणदीप हुडा, भाई उन्होंने खुद प्रोड्यूस की है। स्टोरी स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग बाय उत्कर्ष नैथानी एंड रणदीप हुडा, भाई वो भी उनका ही है, सही है भाई। क्रेडिट्स काफी लंबे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा पहले ट्रेलर देखते थे उसके बाद बात करते। तो काउंट डाउन करते, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हम सब ने पढ़ा है कि भारत को आजादी अहिंसा से ही मिली है। ये वो कहानी नहीं है। So what do you say? Wow. But frankly, sir, he's the most dangerous man I've ever met. Because in just one meeting, he almost had me convinced that we are in the wrong. Yeah. 1857 की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान एक होकर लड़े थे, क्योंकि देश धर्म से ऊपर होता है। मातसिनी ने अखंड इटली बनाया था, हम अखंड भारत बनाएंगे। सागर के उस पार जाने से अशुभ हो सकता है। अरे ये सागर तो भारत माता के चरण धोता है, पूरी दुनिया घुमा के मुझे फिर से तुम्हारे पास ले आएगा। सावरकर जी, myself M.K. गांधी। संघर्ष हो सकता है पर समाधान नहीं। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो जिंदा अंग्रेजों का कलेजा फाड़ के खा जाए। ओ भाई। अब बातों और मीटिंगों का समय समाप्त। हमें यहाँ से भारत बंदूकें भेजनी होंगी और अंग्रेजी फौज में अपने सिख भाइयों को चिट्ठी लिखनी होगी कि वो बगावत के लिए तैयार रहे। 1912 तक हम इनको मार मार के भगा देंगे या इनको मारते मारते मर जाएंगे। पहली बार किसी को दो उम्र कैद की सजा दी है। ऊपर वाले ने एक जिंदगी दी थी, जज साहब ने दो दे दी। हम अंग्रेजों के पक्ष में लड़ेंगे, कल वो भी हमारी मदद करेंगे। जर्मनी और जापान के आधुनिक हथियारों के साथ अंग्रेजों पे हमला कीजिए। मैं इस महान किताब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। दो खाना इसको। ये आजाद हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं बल्कि सल्तनत चाहते हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत को सल्तनत बनाने का प्रयास किया गया तो हम मुगलों का राज दोबारा नहीं आने देंगे। फौज में भर्ती हो जाओ, ट्रेनिंग लो, फिर समय बताएगा कि उस बंदूक की नली किस ओर घुमाने है। तिलक, महात्मा गांधी। हिंद से प्यार करने वाले हम सब हिंदू हैं। अखंड भारत की, अखंड भारत की। आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस के किसी मेंबर को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई? ओ भाई, अ फिल्म बाय रणदीप हुडा, 22 मार्च, हिंदी एंड मराठी। वाओ, क्या बात है भाई। तो यहाँ पे ट्रेलर खत्म भाई, मराठीत पण येतोय ना, जबरदस्त। तो ये बात सही है भाई कि मराठी में भी मूवी आ रही है, और भाई साहब ट्रेलर के बारे में तो डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो भी अभी रणदीप हुडा के जितने फैन है ना भाई, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। रणदीप हुडा एक ऐसे एक्टर है ना कि जो मतलब इतने वर्सेटाइल होने के बावजूद काफी अंडररेटेड है। उनकी सरबजीत देख लो, उनकी बाकी की पिछली मूवीज देख लो, उठा के भाई क्या काम करते हो। तो जितने भी रणदीप हुडा के फैन है ना भाई, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ट्रेलर के बारे में डिटेल में बात करने वाले भाई। ये ट्रेलर खतरनाक बनाया है, एक नंबर ट्रेलर बनाया है। और एक चीज उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये पूरा मतलब इसमें पूरी छाप पड़ रही है रणदीप हुडा की। हाँ, क्योंकि सी वो प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्ट भी उन्होंने खुद किया है, तो इसमें बस
उनकी सारी चीजें दिख रही है कि उन्होंने कितनी शिद्दत से काम किया इस ऊपर। एक जो चीज हम आपको बताना चाहते हैं ना कि इस टाइप की जो मूवी रहती है ये इसको पीरियड मूवीज कहते हैं कि जो हिस्ट्री पे बेस्ड होती है, उस टाइप का सेट क्रिएट करना, उस टाइप का पूरा एटमॉस्फेयर बनाना और वो सब सेम लगना चाहिए कि अंग्रेजों के जमाने का जो एटमॉस्फेयर उन्होंने बनाया है, जो सेट किया है क्रिएट, ये बनाना भाई बहुत मुश्किल होता है। सबसे कठिन काम यही होता है, बारकाई से किया है एकदम। बहुत सी छोटी छोटी चीजें रहती है जो हम इसमें मिस नहीं कर सकते, तो ये काफी कठिन रहता है, काफी डिफिकल्ट रहता है। और भाई इसको मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी जबरदस्त तरीके से उन्होंने निभाया है इसमें। उनका मेकअप, उनका लुक, सारी चीजें देख लो भाई, उनकी एक्टिंग और उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखा। हाँ। उनके 4 से 5 अलग अलग किरदार है मूवी में और सारे लुक में उनकी फिजिक भी अलग है। हाँ। बॉडी का स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। ये भाई खतरनाक, क्योंकि हमने सरबजीत में देखा था उन्होंने कितना मतलब वेट उनका कम कर दिया था भाई उस रोल के लिए, पूरी ऐसे हड्डे हड्डे दिख रहे थे। क्या काम किया था भाई उस पिक्चर में उन्होंने, खतरनाक भाई साहब। ट्रेलर जबरदस्त था, बैकग्राउंड स्कोर मुझे सही लगा। बहुत सी चीजें हमको इस मूवी में जब मूवी आएगी तब देखने को मिलेगी। ट्रेलर में हमको ये तो पता चल रहा है कि एक्चुअली जो स्वातंत्र्य वीर सावरकर थे उनका क्या योगदान रहा है। यार बहुत सी चीजें रहती है और ये एक डिबेट का मुद्दा भी हो सकता है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, जितना भी हमने इतिहास पढ़ा है, जितनी भी हमने हिस्ट्री पढ़ी है, जितनी जंग हमने अंग्रेजों से लड़ी है ना, उसमें जितना अहिंसा का जितना भी रोल रहा है ना, अहिंसा हम जिसको कहते हैं, उतना ही यार सेम हिंसा का भी रहा है। हिंसा मतलब मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोनों का बराबर रोल रहा है। तभी तो भगत सिंह आए, तभी तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। अगर वो लड़ाई नहीं करते, वो लड़ाई लड़ते नहीं और सिर्फ अहिंसा के तत्वों पे चलते रहते, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होता। भाई ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप सारे इससे सहमत हो गए ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता। ये हमारा ओपिनियन है। तो मुझे लगता है कि ये बराबरी की, ये जो संघर्ष था ना, ये बराबरी का संघर्ष था भाई। अहिंसा के तत्वों से भी हमने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और साथ में जैसे अभी स्वातंत्र्य वीर सावरकर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, बहुत से थे। उन सबने भी यार अपनी जान की बाजी लगा के इसमें योगदान दिया है। तो और बहुत को मतलब आगे बढ़ाया है। तो ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं। ट्रेलर की अगर बात करते हैं ना, तो ट्रेलर यार मुझे सही लगा। मेन स्पेशली मुझे रणदीप हुड्डा के लिए काफी सही लगा, काफी टैलेंटेड एक्टर है यार, और जिस तरह से उन्होंने इसको निभाया है, मतलब उस रोल को उन्होंने निभाया है, तो मस्त लग रहा है। और साथ में जो अंकिता लोखंडे ने भी यार उनका साथ दिया इस मूवी में, तो वो भी काफी प्रॉमिसिंग लग रही है ना। देखेंगे, 22 तारीख को मूवी आ रही है, तो देखते हैं और क्या क्या उसमें दिखाया गया है ना। हमें यार ट्रेलर काफी अच्छा लगा, आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ब्लॉग चैनल पे भी जाओ यार, वहाँ पे उज्बेकिस्तान की सीरीज चल रही है, जाइए देखिए, अच्छी लगती तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आज के वीडियो में इतने मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।